ना जाने चांद निकले कितने दिन हुए, ना जाने चांद निकले कितने दिन हुए। देखो ना कमसिन चांदनी ने, देखो ना कमसिन चांदनी ने चांद पर एक रहगुजर बना रखी है, चांद पर एक रहगुजर बना रखी है जिस पर कोई राह नजर नहीं आती। नमस्कार साथियों, मैं हूं कीर्ति प्रकाश, आप देख रहे हैं राजेंद्र फिल्म्स पर सितारों के जहां। मीना और कमाल की लव स्टोरी कुछ दिनों के लिए तो बहुत खूबसूरत रही, लेकिन सच यही है कि पुरुषवादी मानसिकता को तोड़ नहीं पाई। कमाल अपने मेल ईगो को साइड रखकर मीना को नहीं जा सके। खाना? कई घटनाएं इसको साफ साफ बयान करती है। एक बार हीरोज सिनेमा में एक प्रीमियर के दौरान जो पार्टी रखी गई थी, उसमें प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक सोहराब मोदी और महाराष्ट्र के राज्यपाल दोनों साथ साथ खड़े थे, साथ साथ बातचीत कर रहे थे। ठीक उसी समय मीना और कमाल प्रीमियर पे पहुंचे। बस एक औपचारिकता कहें, फॉर्मेलिटीज कहें, इस कारण इस नाते सोहराब मोदी ने कमाल की इंट्रोडक्शन महाराष्ट्र के राज्यपाल से करवाई। उन्होंने कहा, ये हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी और ये हैं इनके पति कमाल अमरोही। इतना सुनना था कि ना तो कमाल ने नमस्ते कहा, ना बधाई दी, तमतमाते हुए कहा, नहीं मैं हूँ कमाल अमरोही और ये है मेरी पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी। और इतना कहकर कमाल अमरोही तमतमाते हुए वहां से चले गए। बेचारी मीना ने लज्जित मन से, दुखी मन से अकेले प्रीमियर देखा। शक्ति तो मुझे, शक्ति तो प्रभु के वचन का पालन कर सकती। ऐसे ही एक के बाद एक घटनाएं मीना और कमाल के बीच होती गईं, जो ये बता रही थी कि उनके प्यार के रिश्ते धूमिल होते जा रहे हैं, जो ये गवाही दे रही थी कि उनके बीच वो प्यार नहीं रहा जो पहले था, आज एक मेल ईगो कमाल में शामिल होने लगा था। एक बार ऐसे ही 1955-56 की बात है, शारदा की शूटिंग के दौरान जब एक रूसी फिल्म प्रतिनिधि मंडल बंबई आया हुआ था, राज कपूर उनके सम्मान में वेलकम पार्टी रखी थी। राज कपूर उस पार्टी में जितने भी फेमस कलाकार थे उस वक्त के, उन सबको आमंत्रित कर रहे थे ताकि उस प्रतिनिधि मंडल का सम्मान हो सके, उनका वेलकम हो सके। उन्होंने मीना कुमारी को भी आमंत्रित किया। पहले तो मीना कुमारी ने मना कर दिया क्योंकि उनको पता था कि उन पे शर्तें लागू हैं, लेकिन बात यह भी थी क्योंकि विदेशी प्रतिनिधि मंडल आया था, उनके स्वागत की बात थी, उनके सम्मान की बात थी, लिहाजा फिर मीना कुमारी पार्टी में आने के लिए मान गई। उन्होंने अपने पति कमाल को फोन करके कहा कि उन्हें आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी, यानी कि उन्होंने पार्टी की बात उनको नहीं बताई और मीना पार्टी में चली गई। दूसरे दिन इत्तेफाक से कमाल अमरोही की मुलाकात उस पार्टी में शामिल किसी व्यक्ति के साथ हो गई और उन्हें ये पता चल गया कि कल मीना को शूटिंग में देर नहीं हुई थी बल्कि मीना उस पार्टी में थी। जब उन्होंने मीना से पूछा तो मीना ने कहा कि आप परेशान होते इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई, और कमाल ने इसे भी एक धोखे का नाम दिया। अच्छा बेवकूफ बनाया तूने मुझे। ना ना, मैं आपके चरण छूती हूँ, मुझे ऐसा ना समझी। तो फिर आज तक ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? बहुत सौदे होते हैं संसार में, बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले संसार में नहीं मिलते। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं मगर जिद नहीं छोड़ते, मगर जिद नहीं छोड़ते। मीना कुमारी अंदर ही अंदर घुट रही थी, धीरे धीरे कमाल की लगाई शर्तें टूटने लगी थी। मीना कुमारी चाहती थी कि वो माँ बने, लेकिन कमाल अमरोही नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी पहली बीवी से ही उनके 3 बच्चे थे। रजनी मुबारक हो, शादी से पहले तुझे बेटा भी मिल गया। और कमाल मीना के बच्चों को अपना नाम नहीं देना चाहते थे। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि मीना सुन्नी समाज से थी
और कमाल शिया समाज से ताल्लुक रखते थे और वो नहीं चाहते थे कि एक सुन्नी औरत के बच्चों को वो पिता का नाम दे। बहरहाल सच क्या था ये तो सिर्फ कमाल और मीना ही जानते थे, पर हर औरत आखिर माँ बनकर ही अपने को मुकम्मल पाती है, पूरा होना मानती है, और ये सुख मीना की जिंदगी में नहीं आया, कभी पूरा नहीं हुआ। वैसे लोगों का एक मानना ये भी था कि मीना कुमारी माँ नहीं बन सकती थी। अब ये अफवाह थी या सच, इसका भी कहीं कोई जिक्र बाद में नहीं मिला। मीना कुमारी की अब निजी जिंदगी की परेशानी उनके एक्टिंग में भी साफ साफ झलकने लगी थी। उदासियों ने मेरी आत्मा को घेरा है, उदासियों ने मेरी आत्मा को घेरा है, रुपहली चांदनी है और घुप अंधेरा है, रुपहली चांदनी है और घुप अंधेरा है, कहीं कहीं कोई तारा, कहीं कहीं जुगनू, कहीं कहीं कोई तारा, कहीं कहीं जुगनू, जो मेरी रात थी, जो मेरी रात थी वो आपका सवेरा है। कमाल अमरोही अपनी पत्नी मीना पर डाउट भी करते थे, उस मीना पर जिसने उनके लिए अपना घर परिवार अपने रिश्ते सब कुछ छोड़कर उनके लिए आई थी। कमाल अमरोही अपने असिस्टेंट बाकर अली के जरिए मीना कुमारी पर नजर रख रहे थे। बाकर अली मीना के हर फिल्म के सेट पर मौजूद होते थे, इससे मीना को और भी खौफ रहने लगी और कमाल से दूरियां कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। मीना का खाली मन बाहर भटकने लगा। मीना और प्रदीप कुमार ने पहली बार अदल जहांगीर में 1954 में काम किया था, लेकिन 1956 के बंधन तक आते आते मीना कुमारी और प्रदीप कुमार काफी करीब आ गए थे। इसका अंदाजा इसलिए भी था कि दोनों सबके सामने तो एक दूसरे को मीना जी और प्रदीप जी कहते थे, लेकिन मीना अकेले में सिर्फ उनको प्रदीप कहा करती थी और प्रदीप कुमार मीना को मीनू कहकर पुकारते थे। दोनों ने कुल 7 फिल्मों में काम किया और उनके बीच जो प्रगाढ़ता हुई, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि प्रदीप कुमार ने अपनी बेटी का भी नाम मीनू रखा था। कहते हैं कि प्रदीप कुमार मीना से शादी करना चाहते थे, लेकिन पहले से विवाहित प्रदीप कुमार ये हिम्मत नहीं जुटा पाए, उनको अपने बच्चों का भी ख्याल था, लेकिन वो मीना का बहुत सम्मान करते थे और इसीलिए उन्होंने मीना के नाम पर अपनी एक बेटी का भी नाम रखा था। बाकर अली ने मीना कुमारी को प्रदीप के कार से उतरते देख लिया। उसके बाद क्या हुआ बताऊंगी अगले एपिसोड में। आप बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स पर सितारों के जहां में। कीर्ति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।